जिला पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में बैचरा पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। वहीं 1 फरवरी को ग्राम घुंसी के समीप एक अधजली लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसकी बारीकी में जांच करने के बाद शव की शिनाख्त वंदना सोनी निवासी आष्टा के नाम से हुई। बेरछा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले का खुलासा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को ग्राम घुंसी के समीप एक अधजली लाश मिली थी, जिसकी सूचना ग्राम घटिया खुर्द के चौकीदार ने बेरछा पुलिस को दी थी, जिसकी बारीकी से जाँच करने के बाद FSL टीम ने स्पॉट का निरीक्षण कर मिले बारीकी से बारीक साक्ष्यों के जाँच के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने मौका मुआयना किया था। वहीं मौके स्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर बारीकी से जांच करने पर अधजले शव की शनाख्त आष्टा निवासी वंदना सोनी के नाम से हुई। काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि वंदना सोनी मर्डर मामले में पुलिस ने हनीफा बी एवं उसके साथी रामचरण उर्फ गुट्टू के साथ आरोपियों को संरक्षण देने वाले उसके बचपन के साथी देवेंद्र को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही मृतिका के मोबाइल एवं घटना में उपयोग होने वाले वाहन को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मृतक वंदना सोनी आरोपियों के मकान में किराए से रहती थी। आए दिन उसके बीच में विवाद होते थे, जिसको लेकर मृतिका ने उनका मकान खाली कर दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि मकान मालिक अनुसार शाह से मृतिका के संबंध भी थे, जिसको लेकर भी आरोपी और मृतिका के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे, जिस पर पुलिस ने बारीकी से जाँच करते हुए आरोपियों से पूछताछ की। तब आरोपियों ने घटना को अंजाम देना कबूल कर लिया, जिस पर बेरछा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। एक तारीख की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि घुंसी और घटिया खुर्द के बीच में एक पड़ोस की जमीन है, वहाँ पे एक डेड बॉडी जली हुई हालत में है। तो पुलिस ने उसको जाके देखा और उसमें जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो वो बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी तरह जल चुकी थी, तो उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। फिर भी मौके पे जो साक्ष्य मिले पुलिस के द्वारा और जो FSL अधिकारी थे, उन्होंने जब उसकी छानबीन की तो उसमें उसकी बॉडी से चूड़ी बिछिया इस तरह की चीज़ें मिली, जिससे आइडेंटिफाई हुआ कि संभवतः ये एक महिला का शव है। उसके अलावा उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो हालांकि पूरे जल चुके थे, लेकिन उन पर लिखी हुई चीज़ों से यह संभावना हुई कि यह किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई महिला है। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी को पता करने के लिए पुलिस ने सभी जगह उसको छानबीन करने का तलाश शुरू करी। आसपास के थानों में इसमें संपर्क किया गया, किंतु किसी थाने में किसी महिला के गुमशुदगी की कोई इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं मिली। फिर आसपास के जिलों में संपर्क किया गया तो आष्टा में एक महिला वंदना सोनी नाम की थी, जिसके गायब होने की सूचना मिली। और वो महिला जो थी वो हॉस्पिटल में एक ANM का कार्य करती थी। उसके बाद घटनास्थल से मिली वस्तुओं को जब वंदना सोनी के परिजनों को दिखाया गया तो उन्होंने उस चीज़ों को पहचान कर उस मृतिका को अपनी बहन वंदना सोनी होना बताया। इसके आधार पे पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और जो वंदना सोनी थी वो उस समय पूर्व तक एक अंसार नाम का व्यक्ति था आष्टा में, उसके घर में किराए से रहती थी। और संभवतः जो आसपास में जानकारी जुटाई गई और उसके आधार पर जो चीज़ सामने आई कि उसका वो इसके संबंध में आ गई थी अंसार के, और अंसार की जो पत्नी थी हनीफा, उसको ये सब पसंद नहीं था। घटना के दिन मतलब पुलिस ने सभी लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, इंटरोगेशन की, काफ़ी एलैबोरेट काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरोगेशन हुई, सारे साक्ष्य वगैरह को देखा गया। उसमें जब पूछताछ हुई तो काफ़ी समय बाद अंत में हनीफा ने घटना बताई और स्वीकार किया कि किस प्रकार उसने घटना को अंजाम दिया है। तो हनीफा और उसके साथ जो उसकी मदद जिसने की थी, गुट्टू उर्फ रामचरण बड़ोदिया करके एक व्यक्ति था, जिसका जो रहने वाला रामनगर का था, किंतु उसका जो ससुराल है वो घुंसी में था, वो भी जो अंसार है उसी के यहाँ पे, वो भी किराए से ही रहता था। इसलिए वो इस प्रकार से उसकी पत्नी और हनीफा दोस्त थे और वो हनीफा की जान पहचान का था। तो घटना दिनांक में ये हॉस्पिटल से सब साथ में निकले थे, हनीफा और वंदना वगैरह। और जब घर गए तो घर में इनकी किसी बात पर बहस हुई, जहाँ पर हनीफा ने वंदना पर हमला किया
और वहाँ पे फिर गुड्डू को बुलाया और इन लोगों ने मिलके हनीफा को मार दिया। उसके बाद गुड्डू ने इसको ड्रम में डाल के और इसकी डेड बॉडी को ले जाकर अपने गांव मुंशी के पास में एक जो पड़त की ज़मीन थी वहाँ डाल के और पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दी और उसको पूरा जला दिया। उसके बाद ये यहाँ से फरार होकर अपने दोस्त के पास भोपाल में गया और उसी के यहाँ पे 3-4 दिन छुपा रहा। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किए पूरी घटनाक्रम को उजागर करने के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए काफ़ी अथक मेहनत की और अंततः पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।